नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिल्मी वाला यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस खास वीडियो में हम बात करने वाले हैं भोजपुरी के जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ की 50 दिन तक चलने वाली भोजपुरी फिल्मों के बारे में। तो वीडियो पूरा जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो इस लिस्ट में नंबर एक पर जो फिल्म है, उस फिल्म का नाम है निरहुआ रिक्शा वाला। ये फिल्म साल 2007 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में जुबली स्टार निरहुआ के साथ पांकी हेंगड़े नजर आई थी। इस फिल्म को दिनकर कपूर ने डायरेक्ट किया था और संतोष मिश्रा ने फिल्म की कहानी को लिखा था। फिल्म काफी शानदार थी और इस फिल्म को दर्शकों ने काफी ज्यादा पसंद किया था। और ये फिल्म 2007 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म में से एक थी। और निरहुआ रिक्शा वाला इसी फिल्म ने जुबली स्टार निरहुआ को भोजपुरी इंडस्ट्री में पहचान दिलाया था। और इस फिल्म के बाद से इनकी गिनती भोजपुरी के सबसे बड़े सुपरस्टार में होने लगी थी। ये फिल्म कई थिएटर्स में 50 दिन तक, कई थिएटर्स में 100 दिन तक और कई थिएटर्स में ये फिल्म 150 दिन तक लगातार चलती रही थी। इस लिस्ट में नंबर दो पर जो फिल्म है, उस फिल्म का नाम है दीवाना। और दीवाना ये फिल्म साल 2009 में रिलीज हुई थी। फिल्म के स्टारकास्ट में जुबली स्टार निरहुआ के साथ पांकी हेंगड़े, रानी चटर्जी और विराज भट्ट नजर आए थे। इसके अलावा इस फिल्म में प्रदीप पांडे चिंटू भी बाल कलाकार के रूप में नजर आए थे। और ये फिल्म चिंटू पांडे की पहली भोजपुरी फिल्म थी। दीवाना इस फिल्म को राजकुमार आर पांडे ने डायरेक्ट किया था और ये फिल्म 2009 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म में से एक थी। और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर होने के साथ साथ थिएटर्स में 50 दिन तक चलने में कामयाब रही थी। इस लिस्ट में नंबर तीन पर जो फिल्म है, उस फिल्म का नाम है सात सहेलियां। और सात सहेलियां ये फिल्म साल 2010 में रिलीज हुई थी। फिल्म के स्टारकास्ट में जुबली स्टार निरहुआ के साथ पांकी हेंगड़े, रानी चटर्जी, रिंकू घोष, मोना लिसा जैसी सात एक्ट्रेस नजर आई थी। इस फिल्म में भी प्रदीप पांडे चिंटू एक बाल कलाकार के रूप में नजर आए थे। इस फिल्म को राजकुमार आर पांडे ने डायरेक्ट किया था और इस फिल्म को भी दर्शकों का काफी ज्यादा प्यार मिला था। और ये फिल्म 2010 की एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी, जिसने थिएटर्स में 50 दिन पूरे किए थे। इस लिस्ट में नंबर चार पर जो फिल्म है, उस फिल्म का नाम है निरहुआ हिंदुस्तानी। और निरहुआ हिंदुस्तानी ये फिल्म साल 2014 में रिलीज हुई थी। फिल्म में जुबली स्टार निरहुआ के साथ पहली बार आम्रपाली दुबे नजर आई थी। इसके अलावा पांकी हेंगड़े का इस फिल्म में एक स्पेशल सॉन्ग रखा गया था। इस फिल्म को सतीश जैन ने डायरेक्ट किया था और इस फिल्म ने डूबती हुई भोजपुरी इंडस्ट्री को टॉप पर लाकर रख दिया था। ये फिल्म कई थिएटर्स में 50 दिन तक और कई थिएटर्स में 100 दिन तक लगातार चली थी। और ये फिल्म साल 2014 की सबसे बड़ी हिट फिल्म थी और फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर घोषित किया गया था। और ये फिल्म आज भी जुबली स्टार निरहुआ के करियर की सबसे बेस्ट फिल्म में से एक मानी जाती है। इस लिस्ट में नंबर पांच पर जो फिल्म है, उस फिल्म का नाम है राजा बाबू। और राजा बाबू ये फिल्म साल 2015 में रिलीज हुई थी। फिल्म के स्टारकास्ट में जुबली स्टार निरहुआ के साथ आम्रपाली दुबे और मोना लिसा नजर आई थी। इस फिल्म को मंजुल ठाकुर ने डायरेक्ट किया था और इस फिल्म की लंबाई काफी ज्यादा थी। इसके बावजूद भी ये फिल्म 50 दिन तक लगातार चली थी। और ये फिल्म साल 2015 की एक सुपर हिट फिल्म साबित हुई थी। इस फिल्म ने भी थिएटर्स में 50 दिन पूरे किए थे। तो दोस्तों, ये थी जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ की 50 दिन तक लगातार चलने वाली भोजपुरी फिल्मों की लिस्ट। अगर आप इस वीडियो का पार्ट टू भी देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसी ही कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी रेगुलर पाने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।